हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम मौजूद हैं बेगूसराय की धरती पे, जिसे बिहार का लेनिनग्राद कहा जाता है। लेकिन राजनीतिक पंडितों का कहना है कि 1990 के दशक में ही लेनिनग्राद लालूग्राद बन चुका है। तो लेनिनग्राद की जो राजनीति है पूरी तरह चेंज हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि बेगूसराय देश के सबसे हॉट सीटों में से एक है, क्योंकि यहां से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह और जेएनयू के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार चुनाव मैदान में हैं। वहीं आरजेडी ने अपना उम्मीदवार तनवीर हसन को यहां से चुनाव मैदान में उतारा है। कहने को तो कहा जा रहा है कि यहां जो लड़ाई है त्रिकोणीय है, लेकिन राजनीतिक पंडितों का कहना है कि यहां जो लड़ाई है सिर्फ और सिर्फ गिरिराज सिंह और तनवीर हसन के बीच है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बेगूसराय की जनता किसे चाहती है, बेगूसराय की जनता किसे अपने सांसद के तौर पे देखना चाहती है, किसे वो अपना प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहती है, चुनना चाहती है। हम इस वक्त मौजूद हैं साठा पंचायत के मिलके छबीलापुर में और यहाँ की जनता से हम करने आए हैं जन की बात। उनसे जानेंगे उनके मन की बात, वो किसे अपना सांसद के तौर पे देखना चाहते हैं, चुनना चाहते हैं, किसे वो देश का अगला प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ की जनता से। ये बताइए क्या नाम है आपका? मोहम्मद शमसुल। ये बताइए कि यहाँ जो तीन उम्मीदवार हैं बेगूसराय में, तीनों ही बहुत नामी हैं, तो कन्हैया कुमार, गिरिराज सिंह और तनवीर हसन, तो इन तीनों में से किसे आप अपना सांसद चुनना चाहेंगे? तनवीर हुसैन साहब को। तनवीर हसन को, क्यों? वो हमको अच्छा हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छा देखभाल करते हैं, हम लोग को सब चीज़ का व्यवस्था कर देते हैं, इसीलिए हम तनवीर साहब को हम लोग सब जनता मिलके उनका ही वोट देंगे। ये कहा जा रहा है कि गिरिराज सिंह जो हैं वो प्रधानमंत्री के काफ़ी क्लोज हैं, अगर आप उनको चुनेंगे तो वो आपकी बातें सीधे प्रधानमंत्री तक पहुँचाएँगे। हमारा प्रचार तो तनवीर साहब ही वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, वो सारा काम भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। हाँ, और कन्हैया कुमार के बारे में क्या सोचते हैं? कन्हैया जी का क्या सोचेंगे? कन्हैया जी भी हम भी सबसे अच्छा सोचते हैं तनवीर साहब हसन साहब को, उसने जानते हैं उनको जानते हैं। आप बताइए आप क्या बोल रहे हैं? हम तनवीर हसन को चाहते हैं। तनवीर हसन? हाँ। तनवीर हसन को क्यों चाहते हैं? जो हमको घर देंगे, घर बनाएंगे, रास्ता भी होगा, कल भी होगा, पैखाना भी बनाएंगे, राशन पानी अच्छा भी चलाएंगे, बिजली भी अच्छा देंगे। ये है? सब तो नीतीश जी कहते हैं, मोदी जी के ये सब हम कर दिए। नहीं नहीं, ये सब कहाँ किया, कहाँ हमको चल कर देखिए, हमको बस्ती में चल कर देखिए, तो कठो पैखाना है, कठो इंदिरावास दिए हैं। शौचालय नहीं मिला? नहीं, हमको कुछ नहीं है, न पैखाना है, न घर भी है, न कल भी है, कुछ न रास्ता भी देखे, चल कर देखिए घर में, अपना मोहल्ला में हमको चल के देखिए। अच्छा, ये बताइए कि तनवीर हसन जी को आप वोट देना चाहते हैं तो सुविधा के लिए? हाँ। हम सुविधा के लिए देने चाहते हैं उनको, जो तनवीर हुसैन हमको जिंदा रखेगा, अच्छा भी चलाएंगे, रास्ता भी चलाएंगे, राशन पानी भी, बिजली भी, रास्ता भी देंगे, पैखाना भी, बाथरूम भी देंगे, हमको इंदिरा आवास का घर भी देंगे। आप बताइए आप क्या आप किसे चुनना चाहेंगे? तनवीर हुसैन को। तनवीर हसन को? हाँ। क्यों? अच्छा आदमी है, जो हमको भलाई करेगा हर चीज, हम गरीब आदमी हैं, स्वाद होकर को काट को खाटते हैं, वो अच्छा आदमी है, हम गरीब को देखेगा, उसी लिए उनको चाहते हैं। तो वो तो लालू यादव की पार्टी के हैं? हाँ हाँ, लालू यादव की पार्टी है। लालू यादव की पार्टी को देंगे? हाँ हाँ, ललटेम छाप में देंगे। ललटेम छाप में? हाँ हाँ हाँ। क्या तनवीर हुसैन का फोन? लालटेन छाप पर। लालटेन छाप? हाँ। लालटेन छाप पे क्यों देना चाह रहे हैं? वो हमारा मर्जी है, वह पर दे सुविधा के लिए ना दे रहे हैं। सुविधा हम वह पर दे, हाँ वह सब कुछ वह करते। हाँ, जो है सो बंद कर दिया है, पन्नी सब कुछ जो सौदा लाते हैं हम लोग, सो पन्नी भी बंद कर दिया,
तो हम सुब हाँ हम मोदी को नहीं चाहते हैं, मोदी को नहीं चाहते ना, मोदी दलखिन काला रूपा के असलुक्का रूपा के पानी बना दुनिया में, गरीब के मार दलखिन बिच्चे दरियाओ में मोदी जी, आ चोर लुकर निकलवा दलखिन मोदी मोदी दी मुसलमाना के मार दे। हाँ एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, हाँ एक चीज बताइए, मुसलमान ना क्या, हाँ बताइए, मोदी जी तो कहते हैं कि हमारे जो शासन काल में हाँ, कभी दंगे नहीं हुए, हाँ नहीं नहीं चाह लखिन मुसलमान के देखी नहीं चाह लखिन सफाई नहीं मोदी जी, हाँ आप मोदी जी जो खून करा वो जीत जाथिन तब मुसलमान ना के सॉलिड बना देथिन के रास्ता ले के, यह बात है, इतना डर है आपको, हाँ हाँ उनका से इतना डर है, हाँ उतना डर, आप लोग मोदी जी से डरते हैं? जी नहीं डरते, काहे डरेंगे मोदी जी से, ये कह रहे हैं कि अगर जीत जाएंगे तो दिक्कत होगी, डरे हमको मोदी नहीं चाहिए, ये कारण नहीं चाहेंगे, मुसलमान को देखने नहीं चाहेंगे, हम मुसलमान के जिताएंगे, मुसलमान हमको साथ देगा, यही हम सुनना चाहते हैं। हाँ ये गिरिराज सिंह और कन्हैया कुमार जो दो उम्मीदवार और हैं, इन दोनों में से किसी को नहीं? नहीं, हम तमवीर हुसैन का चाहते हैं, हम और कन्हैया अपने किसी को नहीं हम चाहते हैं जी। आप बताइए, आप इधर आइए, इधर आइए, आप किसे अपना अगला सांसद के तौर पे देखना चाहेंगे? हम अपना सांसद के तौर पर तनवीर हुसैन को देखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से नेता आते हैं अपना वोट लेकर चले जाते हैं और एक भी जनता का काम नहीं करते हैं, समझ गए, इसलिए हम वैसा नेता चुनते हैं कि जो हमारा काम करता है, हमको देख रेख करता है, वैसा नेता चाहते हैं। नीतीश को भी हम नहीं चाहते हैं, नीतीश मोदी को भी हम नहीं चाहते हैं, लालू चोर है ठीक है, लेकिन लालू का आदमी हमको देखता है, लालू हमको देखता है, लालू हमारा पक्ष में, इसीलिए हम तनवीर हसन को चाहते हैं। आपने कहा कि लालू चोर है ठीक है, ठीक है, क्या लालू सचमुच चोर है? सचमुच चोर है, लेकिन फिर भी जनता को देखता है, लेकिन मोदी उससे डबल चोर है, हाँ शौचालय का भी पैसा खा गया, छात्रवृत्ति पैसा खा गया, हम लोग का पैसा कहाँ? मोदी जी तो केंद्र में है ना भैया, मोदी जी केंद्र में है ठीक है, लेकिन हम लोग को जो सिम चला रहे थे उस सिम पर में GST लगा दिया मोदी, क्यों हो लगा दिया 35 रुपया का महीना रिचार्ज क्यों लगा दिया, उस सिम कहाँ से लाएंगे, सिम बंद हो जाएगा फिर नया निकालेंगे, 120 रुपया देगा, देगा मोदी जी, 100 रुपया का मजदूरी करते हैं, देगा मोदी जी, नहीं देगा, ये सब मोदी जी ने किया, काला धन बड़े लोग से निकालता, गरीब को पेट में लात मारता है मोदी जी, इसीलिए मोदी जी को नहीं चाहते हैं, नीतीश जी को नहीं चाहते हैं। नीतीश जी तो कहते हैं कि बिहार में हम सुशासन लाए और विकास के लाए थे, लेकिन नीतीश जी फिर क्यों मोदी में चले गए, क्यों मोदी में चले गए नीतीश जी, मोदी जी के साथ मिलने क्या कारण था, मोदी जी को नीतीश जी को मोदी जी में जाने का क्या कारण था, जितना उसको चाह रहे थे नीतीश जी को, तो फिर मोदी जी में क्यों चले गए, मोदी जी में जाने के कारण जनता उनको छोड़ दिया। तो ये मिल्की छबीलापुर की जनता की आवाज़ है, ये जनता किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, यहाँ खेत में काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये लोग खेत में काम कर रहे हैं, यहाँ अभी गेहूं की दौनी चल रही है, और हम यहाँ पे इनके खेत तक आए थे इनके मन की बात को जानने के लिए, आपने सुना इनके मन में क्या कुछ चल रहा है, खास करके मोदी जी के बारे में जो इन्होंने प्रतिक्रिया दी है, इसकी कल्पना हम भी नहीं किए थे, इन महिलाओं का साफ कहना है कि मोदी जी से उन्हें खौफ है, और उन्होंने खास करके मुसलमानों के लिए ऐसा कुछ नहीं किया कि उनको वोट दिया जा सके, इनका हित तनवीर हसन में ही है, ना तो ये गिरिराज सिंह का नाम लेना चाहते हैं और ना ही कन्हैया कुमार का। आइए हम आपको कुछ और खेतों में लिए चलते हैं, आप देखिए सामने कुछ किसान गेहूं काट रहे हैं, हम आपको लिए चलते हैं उस खेत में। अभी ये बताइए कि अभी वोटिंग होगी कुछ दिनों के बाद, हाँ, तो आपका वोट किन मुद्दों पे गिरेगा और कौन सी पार्टी है जिसे गिरेगा? हमारे लालू यादव का पार्टी तनवीर हुसैन है, तनवीर हुसैन को जितने हमारे गेम है हमारे बस्ती हम जनता हम उनको वोट देंगे, हम देखना चाहते हैं, हम उनको जिताना चाहते हैं, और हमारे कोई उनको सिवा कोई नहीं है, देखने वाले कोई नहीं है, मदद देने वाले कोई नहीं है, तनवीर हुसैन को हम जिताएंगे, हम देखना चाहते हैं उनको हर हाल में।
तनवीर हसन में ऐसी क्या खासियत है कि उन्हें वोट देना चाहते हैं सिर्फ जाति के लिए? उनके लालू का पार्टी है इसलिए। लालू अगर कुछ भी गलत किया है मेरे नजरों में, हमारे पास जनता का नजरों में बिल्कुल सही आदमी है। उनकी तनवीर हुसैन को टोटल वोट उन्हीं का हम लोग देखना चाहते हैं, देना चाहते हैं हर हाल में। यहाँ से दो उम्मीदवार और हैं जिनका बहुत नाम है, खास करके कन्हैया कुमार और गिरिराज सिंह का। इन दोनों को जानते हैं आप? नहीं, हम किसी का नहीं पहचानते, लालू का सिवा किसी का नहीं पहचानते। मोदी जी को पहचानते कि नहीं? नहीं, नहीं। पीएम नरेंद्र जो प्रधानमंत्री हैं देश के, हम उनको नहीं देखना चाहते हैं। उनको नहीं देखना? नहीं, क्यों? मोदी सरकार को नहीं मांगते हैं देखना, क्योंकि जो भी काम कर रहे हैं मोदी सरकार गलत किए हैं। क्या गलत किए? वो तो कहते हैं हर चीज में गलत किए हैं, हर चीज पर क्या ये सब डीएफसी लगा दिए हैं। गरीब आदमी मर रहा है, व्यवसायदार मर रहा है, जो 100 रुपया 200 रुपया कमाता है कपड़ा लाने के लिए जाता है उस पर भी डीएफसी जोड़ देते हैं। जमीन का विषय में बर्बाद हो गया गरीब आदमी, 50,000-40,000 रुपया करके लगा घर पीछू, उसमें हम लोग मर गए। नहीं तो आप तो किसान हैं, किसानों पे तो नहीं लगाया है? हम लोग मर गए, अब हम लोग नहीं बचेंगे। अब इस हाल में मोदी सरकार जो करके किया है वो हम लोग नहीं बचेंगे। अब तो आपका वोट किनको जाएगा? हमारे वोट तनवीर हुसैन में जाएगा। तो कौन से मुद्दे पे वोट करेंगे? उतना हमको भी नहीं आता है, नेता लोग सुनाएंगे जो कहेंगे वही जहां गिराएंगे वोट। नेता लोग तो कहेंगे कि हमारे पक्ष में गिरा दीजिए, तो किसी के पक्ष में गिरा दीजिएगा? एक नेता नहीं आते हैं, 10-20 नेता आएंगे जो अच्छा समझेंगे उनको देंगे वोट। अच्छा, समझना पड़ेगा अभी। हाँ, आपके नज़र में देश में सबसे अच्छा नेता कौन है? अब नेता को हम जानते हैं कौन नेता है, मोदी जी, लालू जी, नीतीश जी, यही है ना मुख्य नेता? तो अभी तो मोदी जी का नाम सुन रहे हैं। हाँ, तो आपका वोट मोदी जी को जाएगा? आप जहाँ जाए, जहाँ जाए। आप क्यों डर क्यों रहे हैं? डरने का क्या सवाल है? तो बोल नहीं रहे हैं। हाँ, सोचे नहीं अभी, जो जब नेता लोग जहाँ बढ़िया कहेगा तहाँ गिराएंगे वोट। तो जब आप मतदान केंद्र तक जाएंगे तो कौन से मुद्दे पे वोट करेंगे और कौन सा ऐसा नेता है जिसे आप वोट करेंगे? कि तनवीर हसन को नहीं देंगे हम लोग वोट। तनवीर हसन को देंगे? तनवीर हसन को क्यों देंगे? का सबसे अच्छा बुझा रहे हैं, सबसे बढ़िया बुझा रहे हैं, उसी के देंगे वोट। सो और ये जो गिरिराज सिंह हैं, कन्हैया कुमार हैं, नहीं उन लोग का तो अति है, उसी के नहीं देंगे। सबसे बनिया हम लोग का तो तरवीज हसन लग रहे हैं, उसी के देंगे वोट। उन लोग का क्या है, क्या कुछ बोलना चाह रहे आप? नहीं बनिया बजा रहे हैं, उसी के चलते उसी के सब लोग चुने हैं तो उसी के देंगे वोट। क्या अच्छा है तनवीर हसन में? सब चीज़ में बनिए लग रहे हैं, सब चीज़ है थी, उसी के चलते उनके सब चुने गए हैं तो उसी के सब वोट देंगे। जाति की वजह से? नहीं, जाति की वजह से नहीं, ऐसे धरिए जो सब अति है उसी के चलते सब जिधर अति बढ़ेंगे तो धरे बहना पड़ेगा। कौन सा नेता है जो आपका आपकी मदद करता है, आप उसको वोट देना चाहते हैं? वोट तो जिसको पार्टी होगा उसको तो दइए ना देंगे। हाँ जी, कौन सी पार्टी है? आप ही वाला पार्टी ना होगा। हमारी तो कोई पार्टी नहीं है, हम तो आए हैं दरवाजा पर कहने के लिए, तो आपको बात नहीं रखेंगे? हम तो पूछने आए हैं, जानना चाहते हैं आपसे कौन सी ऐसी पार्टी? अरे राशन नहीं मिल रहा हमको। हाँ, इधर देख के बात कीजिए, सरकार जिम्मेदार है ना। ये बताइए कि आपको कितने दिनों से राशन नहीं मिला? 10 बरस से राशन हमको बेटा साबिर को नहीं मिल रहा, इंदिरा आवास घर नहीं मिला है, पैखाना शौचालय नहीं मिला है। तो नीतीश जी तो कहते हैं कि हमने हर घर को शौचालय दिया है। जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो तो कहते हैं कि हमने सभी को पूरे बिहार में हर घर को शौचालय दिया। शौचालय कुछ नहीं मिला है, इंदिरा आवास देखते हैं घर बनाए हुए हैं कपड़ा। हाँ देखिए ना, शौचालय अपना कमाई का पसेना का बनाए हुआ, आपको नीतीश जी कह दिया? नीतीश जी तो यही दावा कर रहे हैं, अपने पसीना से शौचालय बनाए हैं, अपना पसीना शौचालय बनाए हैं। चलिए इंक्वायरी कीजिए, राशन कार्ड इंक्वायरी कीजिए, इंदिरा आवास इंक्वायरी कीजिए, रास्ता को इंक्वायरी कीजिए। ये रास्ता भी अपने बनवाए हैं? जी नहीं, दूसरे आदमी बना दिया, लेकिन रिक्शा भी आने का उपाय नहीं है, पोल गड़ा हुआ है, एक तो बत्ती का 30 का गड़ाने का उपाय नहीं है। देखते हैं ना, सामने देखिए
गरीब गरीब का कुछ मिलता है नहीं मिलता। अच्छा अभी लोकसभा के चुनाव होंगे तो आपके तीन उम्मीदवार हैं कन्हैया कुमार, गिरिराज सिंह, तनवीर हसन, इन तीनों में कौन आपके लिए अच्छा है? जो अपना इलाका का आदमी को अच्छा बुझाएगा उनको देंगे, वही बात सुनेंगे। आप इलाके के अनुसार वोट करेंगे, जैसे गांव वाले जो लोग कहेंगे उनके अनुसार? हाँ, अपने मन से नहीं करेंगे? अपने मन से कैसे करेगा, हम समाज को लेकर के ना चलना, आपको लेकर के ना हमको चलना। समाज के लोग किसके बारे में कह रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? अभी तक वो बात हम नहीं सुने हैं। जैसा समाज चलेंगे वैसा चलेंगे, हमको कुछ मिले या नहीं मिले, लेकिन जो समाज चलेंगे उस समाज में हम चलेंगे, वही रास्ता। ये बुजुर्ग आदमी हैं और इनका गुस्सा जायज है। इनका कहना है कि पिछले 12 सालों से इन्हें राशन तक नहीं मिल रहा, गरीबी है और शौचालय जो सरकार कहती है कि बिहार के हर घर में शौचालय पहुंच गया है, इंदिरा आवास मिला है, लेकिन ये अपने घर की ओर दिखाते हैं, कहते हैं कि हमारा घर खपड़ैल का है और हमें कुछ भी सरकार से कोई भी मदद नहीं मिली। साथ में इनका जो दर्द है इस रास्ते को लेकर भी है, ये रास्ता बनाया गया है सरकार की ओर से, लेकिन ये सचमुच पूरी तरह से मेरे ख्याल से 6 फीट भी नहीं होगा चौड़ा और सचमुच इसमें एक रिक्शा भी अच्छी तरह से नहीं आ सकता, तो इनका गुस्सा इसलिए भी है। तो वो कौन सा नेता होगा? तनवीर हसन को देंगे। तनवीर हसन को देंगे? हाँ। क्यों? अपना खुशी से, जो हम लोग को भलाई करेगा, हम लोग को सब चीज देकर खुश करेगा। मोदी को नहीं देंगे, मोदी हम लोग को मुसलमान जात को बेइज्जती किया है बहुत। अच्छा ये हाँ। जो आप कह रहे हैं कि मोदी को नहीं देंगे, मोदी जो है मुसलमान जो जाति है उसको बहुत बेइज्जती, किस तरह से बेइज्जती किया? हर तरीका से बेइज्जती किया, निकाह से लेके शादी से लेके कुर्बानी से लेके हर चीज को बेइज्जती किया, हम लोग को मजहब को बेइज्जती किया है, जो नहीं चलने देंगे लोग को कोई चीज, कोई चीज नहीं चलने देंगे। आप डबल से यदि जीत जाएगा तो हम लोग को पूरा हिंदू बना कर रख देगा, मुसलमान से कोई संबंध नहीं रहने देगा। लेकिन ऐसी बात तो नहीं है, देश में सबको रहने का हक है और सभी को अपना धर्म मानने का हक है। मोदी जी ने ऐसा तो कुछ नहीं किया हमारी जानकारी। बहुत कुछ किया, बहुत कुछ, बहुत कुछ। आप तीन तलाक की बात कर रहे हैं, तीन तलाक कहा जाता है कि तीन तलाक से महिलाओं का जो है शोषण होता है, जो गरीब महिलाएं मुस्लिम महिलाएं हैं उनके साथ उनको शादी करके छोड़ देते हैं लोग, तो उनका जो बाकी जिंदगी हम लोग समझे अच्छा है, लेकिन फिर भी खराब लगा जो हम लोग बहुत आदमी बोला पढ़ा लिखा हम लोग मजहब को मजाक उड़ा रहा है मोदी जी। हाँ तो हमसे क्या होगा, जो पढ़ा लिखा उसको दिमाग में घुसेगा उसको अच्छा लगेगा तब ना हमको अच्छा लगेगा। मतलब आपका ये कहना है कि भले ही वो अच्छा काम कर रहे हों लेकिन हमारे समाज के खिलाफ है? हाँ आप उसे सही नहीं मानते? नहीं नहीं, तो जिसमें समाज खुश रहेगा उसमें हम भी खुश रहेंगे। तो आखिर क्या वजह है कि मुसलमान लोग इसे खुद ही अपने जो उनका सामाजिक दायरा सरिया या क्या बोलते हैं उसमें बैठ के क्यों नहीं सुलझा लेते इसको? कहीं कहीं जगह में सुने जो मोदी जी कुर्बानी नहीं देने दिए आगे साल, जो नहीं देने देंगे, आप कहीं डबल से जीत गया तो फिर दूसरा कानून वो निकाल देंगे। हम लोग जब भी वोट देंगे तनवीर हसन को वोट देंगे। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क, आपसे गुजारिश है YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।